रानी पद्मिनी का रहस्य। रानी पद्मिनी अपने शासनकाल में सबसे सुंदर रानी थी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण भी किया था। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती था। रानी अपने बचपन का अधिक समय हीरा मणि नाम के बोलते तोते के साथ बिताती थी। रानी के बड़े होने पर उनके पिता ने उनके लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में उसने सभी राजपूतों के राजाओं को बुलाया था, जिसमें राजा मल खान सिंह भी उपस्थित हुआ था। राजा रावल रतन सिंह भी उस स्वयंवर में आया था, जबकि राजा रावल रतन सिंह को पहली पत्नी नागमती भी थी। कहा जाता है प्राचीन काल में राजा एक के अलावा कई विवाह कर सकते हैं। राजा रावल सिंह ने मल खान सिंह को हराकर स्वयंवर में रानी पद्मावती को जीत लिया था। उस समय राजा रावल सिंह चित्तौड़ के राजा थे। उनके दरबार में एक राघव चेतन सिंह थे, जो संगीतकार होने के साथ साथ जादूगर भी थे, और इस बारे में राजा राघव सिंह को नहीं पता था। और राघव चेतन सिंह अपनी इस प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मारने में किया करता था, और इस बारे में राजा राघव सिंह को पता चलने पर राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया गया था। अपमान के बाद राघव चेतन दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। राघव चेतन ने सुल्तान को रानी पद्मावती के सुंदरता का व्याख्यान किया, जिसे सुनकर उसकी वासना जाग उठी। यह सुनकर राजा सुल्तान ने अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए कहा, क्योंकि उसका सपना रानी पद्मावती को पाना था। सुल्तान ने चाल चलकर राजा रतन राघव सिंह को बंदी बना लिया था, परंतु अगले दिन कई सारी पालकियां चित्तौड़ से रवाना हुई। जहां राजा रतन सिंह को बंदी बनाया गया था, वहां जाकर रुक गई, और इसमें से सैनिकों ने निकलकर राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। ये जानकर सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, जिससे युद्ध करते करते राजा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रानी पद्मिनी ने सोचा कि चित्तौड़ की सेना सुल्तान की सेना को हरा देगी, परंतु इसमें वे विफल रहे और चित्तौड़ की औरतों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए चित्तौड़ में आग जलाकर सारी रानियां उसमें कूद गईं। चित्तौड़ की सेना युद्ध करके वापस लौटे तो वहाँ सिर्फ जली हुई हड्डियां और राख मिली। ये थी SM News की रिपोर्ट।